ये जिलाधिकारी का आदेश है कि मास्क सारे लोगों को लगाना है, कोरोना चल रहा है, आप मास्क नहीं लगाए, भूल गए सर रूम का। अच्छा रूम पे भूल गए। और ये बताइए कि 4 बजे के बाद घाटों पे नहीं घूमना है, आप 4:30 से ऊपर हो रहा है, घाटों घूम रहे हैं। हम लोग का दुकान है सामने। अच्छा सामने दुकान है, उसके बाद भी मास्क नहीं लगाया? नहीं सर, भूल गए। यहाँ पे अधिकारी पुलिस कर्मी सारे आते हैं, आसपास बताते भी है कि नहीं बताते हैं? बताते हैं, आज हम भूल गए। ये बताइए कि जिलाधिकारी यहाँ वाराणसी का आदेश का आपको कुछ पता है कि आदेश दिए हैं? नहीं सर, मुझे नहीं पता था। कोरोना काल चला है पता है? जी सर, नाइट कभी पता था। लॉकडाउन लगा हुआ है और घाटों पे जिलाधिकारी का आदेश है कि 4:30 बजे बाद घाटों में घूमना। सर हम नहीं घूम रहे सर, पहली बार बिना मास्क का घूम रहे। मास्क रखे लेकिन लगाए नहीं। ये बताइए आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क मेरे पास हराया गया है, मेरा मास्क नहीं है, खो गया है। अच्छा ये घाट पे आप घूमने आए तो कब से घूम रहे हैं? हम घाट पे घूमने नहीं, हम घाट पे खाने आए हैं। अच्छा खाने आए हैं। तो ये बताइए जिलाधिकारी का आदेश आपको पता है कितने बजे से यहाँ पे वैन लगा दिया गया है? ये तो नहीं पता है हमें। 4 बजे से यहाँ पे घाट पे घूमने पे लोगों को वैन है, तो क्या आप लोगों को किसी ने बोला नहीं 4:30 से ऊपर? अरे बोल तो रहे हैं, जा रहे हैं घर। अब अभी तो 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। हाँ तो अब जा रहे हैं घर, जा रहे हैं 1.5 घंटे बाद। हाँ मास्क लगाना है जिलाधिकारी, तो मास्क क्यों नहीं लगा, क्या कारण था? अभी मास्क इसलिए लगाना, मतलब जब आज से हम बात कर रहे हैं इसलिए, थोड़ा सा पास में है तो यहाँ पे तो कोई था नहीं, हम ही लोग थे, तो हम लोग क्या अपना खींच लेते हैं फिर चलते हैं। शाम को 4 बजे के बाद घाट पे नहीं, वो अभी अभी आए थे ना, तो अभी पता चला तो वही जा रहे थे। पता है लॉकडाउन लगा हुआ। अच्छा लॉकडाउन लगा हुआ, आपने मास्क नहीं लगाया, आप लोगों ने लोग घूम रहे हैं मास्क नहीं लगाया, क्या कारण है? क्या है, बाइक पार्किंग है जी। तो ये पहले जिलाधिकारी का आदेश है कि घाट पे 4 बजे के बाद नहीं घूमना जी। तो आप 4:30 बज रहा है, उससे भी ऊपर हो रहा है। क्लास से आ गए यहाँ पे। हम लोग का क्लास भी यहीं पे चलता था। कहाँ पे? घाट पे। अच्छा यहाँ पे किस चीज़ का क्लास चलता है? नागरी का। नागरी कौन चलाता है, किस संस्था का? एक्टिंग क्लास। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।